जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों, आप सभी का आपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, वह आज हम आपको कराएंगे। 1885 से 1947 तक जितने भी अधिवेशन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, वह हम आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें पता चलेगा कौन सा अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे लास्ट तक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सभी लोग। इसी के साथ अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे दोस्तों क्या है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन बात करते हैं। कांग्रेस का इतिहास सबसे पहले जानेंगे दोस्तों। अधिवेशन से पहले हमें क्या, कांग्रेस का इतिहास जानना है। कांग्रेस को इंडियन इंडियन एसोसिएशन क्या दोस्तों, एसोसिएशन संस्था की अनुगामी क्या दोस्तों, अनुगामी कहा जाता था। इतनी बात क्लियर, याद रखना, पहले कांग्रेस को क्या कहा जाता था, इंडियन एसोसिएशन कहा जाता था, एसोसिएशन संस्था कहा जाता था। इतनी बात क्लियर, अनुगामी थी। कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना पहली पहली सार्वजनिक सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी दोस्तों, दिसंबर 1885 में, यानी कि क्या दिसंबर में की गई थी, कब, 1885 में। कहां पर की गई थी दोस्तों, वो ये तो मद्रास के प्रकाशित होने वाले, मद्रास में जो प्रकाशित हुआ था द हिंदू नामक अखबार था दोस्तों। यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कांग्रेस का 1885 में जो मद्रास का प्रकाशित अखबार था वह दोस्तों कौन सा था दोस्तों, द हिंदू नामक अखबार अखबार में की गई थी। सबसे पहले कहाँ छपी थी, द हिंदू नामक अखबार में छापी गई थी। इसकी स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर पूछ दिया जाए कांग्रेस की स्थापना के समय दोस्तों, प्रधानमंत्री कहाँ के थे और कौन थे दोस्तों, कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, बात करेंगे तो कौन से, ग्लैडस्टन थे, और बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे, कौन थे, लॉर्ड रे थे। इतनी बात क्लियर, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन दोस्तों। यहाँ पे क्या, दादाभाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया दोस्तों। पहले इसका नाम अगर दादाभाई नौरोजी के कहने पर क्या दोस्तों, पहले नाम था इंडियन नेशनल और दोस्तों क्या यूनियन था, उसके बाद में इसका जब नाम बदला गया तो क्या रखा गया दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। इतनी बात क्लियर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का जन्म दोस्तों पता चला कैसे हुआ, कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों, जनता की मांगों को अंग्रेजी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। मेन मुद्दा इसका यही था, किसका दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम मुद्दा यही था, यानी कि प्रथम उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस के, यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था यह आपको बताना है, बंबई हो जाएगा या कोलकाता, मद्रास या प्रयागराज। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, बंबई में हुआ था दोस्तों। अगर बुद्ध कब हुआ था दोस्तों, वह हमारा हुआ था 1885 में हुआ था। इतनी बात क्लियर, कब हुआ था, 1885 में। अब इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे, बंबई में जो अधिवेशन हुआ था, बात करते हैं इसके प्रमुख जानकारी, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों। तो क्या, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था, 1885 में, कब, दिसंबर महीने में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूछ दिया जाए जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, अध्यक्षता दोस्तों, अध्यक्ष जरूर याद रखें दोस्तों, कौन हो जाएंगे, ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर, तो इतनी बात यहाँ से दोस्तों क्लियर हो गई। अब बात करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों। कांग्रेस के अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, बंबई, कोलकाता या दोस्तों मद्रास या प्रयागराज दोस्तों। अगर बात करते हैं दूसरा अधिवेशन की, तो दूसरा अधिवेशन दोस्तों हुआ कहाँ था, हुआ था दोस्तों यह कोलकाता में, और कब हुआ था, यह हुआ था दोस्तों 1856 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 56-86 होगा, 1800 कब हुआ था, 1886 में हुआ था, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कब हुआ था, ये 1886 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, दूसरा कोलकाता में हुआ था 1886 में। अब जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण
डिटेल में यानी कि जानकारी के साथ। दोस्तों क्या है यहाँ पे अगर बात करते हैं जानकारी, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर के महीने में हुआ था और दोस्तों 1886 में हुआ था। इतनी बात क्लियर। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों को डफरिन डफरिन ने रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे उनको दोस्तों किसने, डफरिन डफरिन थे, उन्होंने दोस्तों आमंत्रित किया था रात के भोजन पर। इतनी बात क्लियर। इसकी अध्यक्षता अगर पूछ दी जाए, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता इसकी की थी। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। यहाँ पे अगर बात करते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था यह भी याद रखेंगे दोस्तों कहाँ हुआ था, ये दोस्तों मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। कब हुआ था, दिसंबर 1887 में हुआ था। इतनी बात क्लियर। इसकी अध्यक्षता अगर पूछ दी जाए दोस्तों किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब तैयब जी ने की थी। किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इतनी बात क्लियर। इस अधिवेशन अगर बात करते हैं, इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे दोस्तों। कितने, 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। पूछ दिया जाए कौन से अधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी का अधिवेशन क्या दोस्तों गठन किया गया था, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कौन सी हमारी अध्यक्षता हो जाएगी कांग्रेस की, वो दोस्तों तीसरी तीसरा अधिवेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था, बम्बई, कोलकाता, मद्रास या प्रयागराज। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे चौथा कहाँ हुआ था। चौथा की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन कांग्रेस का। अब इसके बारे में जानकारी लेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों एक भी क्वेश्चन हमारा लक्ष्य है यानी कि हमें इतना दोस्तों हम करा देंगे कि अधिवेशन से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इतनी बात के लिए अब बात करेंगे यहाँ पे जानकारी के साथ दोस्तों। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दोस्तों यहाँ पे सही गली है। यहाँ पे चौथा अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद। कहाँ हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था हमारा चौथा चौथा अधिवेशन। इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं कब हुआ था, ये 1888 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज जॉर्ज यूलियो ने की थी। इतनी बात क्लियर। इस अधिवेशन में पहली बार किसी यूरोपियन ने अध्यक्षता की थी। अगर पूछ दिया जाए किस अधिवेशन ने पहली बार किसी यूरोपियन ने अध्यक्षता की थी दोस्तों, कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, चौथा अधिवेशन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहीं से दोस्तों बात करेंगे कांग्रेस का जो दोस्तों चौथा अधिवेशन था, चौथे अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने, कौन थे, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने क्या किया था 1888 में, यूनाइटेड यूनाइटेड इंडियन यूनाइटेड इंडिया, ठीक है दोस्तों, पैट्रियाटिक पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहां से दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, सर सैयद अहमद ने किसकी स्थापना की थी और कब की थी, 1888 में की थी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बुझिए दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, दोस्तों कब की गई थी, 1888 में। किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, ठीक है दोस्तों, रहे का फरमान सेज, कौन फरमान, कौन थे दोस्तों, फरमान सेज राजा हुसैन ने जारी किया था। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इसमें दोस्तों क्या है, ये हमारा कांग्रेस के यह अधिवेशन कोलकाता में दिसंबर में हुआ था। ये दोस्तों अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में, ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1896 में हुआ था। इतनी बात क्लियर। 1896 में यह दोस्तों हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता दोस्तों अधिक हुआ था, रहीम रहीमतुल्ला सयानी ने की थी इसकी अध्यक्षता। इसी में दोस्तों क्या हुआ था, इसी के तहत दोस्तों हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों हमारा क्या हुआ था, इसी अधिवेशन के तहत वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। इतनी बात क्लियर। वंदे मातरम कब लिया गया था, कौन से अधिवेशन में दोस्तों, 1896 में। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।
अब बात करते हैं कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों वह अधिवेशन हमारा कौन सा था, 1905, 1905 में की थी। बनारस, बनारस, कोलकाता, मद्रास या प्रयागराज, इलाहाबाद। तो दोस्तों कहाँ की थी यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दोस्तों यह हमारा कौन सा था 1905 में, अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्या 1905, तो 1905 के अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता कहाँ की गई थी यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। और इसे दोस्तों अब हम आपको बताते हैं डिटेल में, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों इसकी अध्यक्षता कहाँ कहाँ की गई थी यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर करें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद चलेंगे आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं जानकारी, कांग्रेस के यह अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1906 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह कलकत्ता में हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों अगर मुझे सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों बुझे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था यह आपको बताना है। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग की अगर बात की जाए तो यहाँ कहाँ किया गया था और किसने किया था यह आपको बताना है। तो दोस्तों किसने की थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, कौन सा अधिवेशन था, बंबई का था, कलकत्ता या मद्रास या सूरत, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इस अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा एक नरम दल था, एक गरम दल। जो गरम दल के नेता थे तो लाल बाल पाल नाम से जाने जाते थे दोस्तों। भाई तो सभी को पता है, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों, और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये हुआ कब था यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, नरम दल और गरम दल के बारे में, जो नरम दल और गरम दल था ये दोस्तों सूरत का हुआ था। सूरत अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। दोस्तों उसमें हमारा क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था। इससे पहले दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों, क्या था, 1905 में जो भाई हमारा कहाँ हुआ था, बनारस में। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसे जानकारी, इसके बारे में जानकारी में, यानी कि संपूर्ण जानकारी के साथ जानने की, कांग्रेस का यह अधिवेशन सूरत में दिसंबर 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राष्ट्र बिहारी बोस ने की थी। जो 1907 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी राष्ट्र बिहारी बोस ने की थी। इतनी बात क्लियर। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस विभाजित होकर दो दलों में बट गई थी। अगर पूछ दिया जाए कांग्रेस दो दलों में कब बटी थी, कौन से अधिवेशन में बटी थी, दोस्तों भाई था सूरत का अधिवेशन था 1907 में। इतनी बात क्लियर। अब जानेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, तो किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगणमन पहली बार गाया गया था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या सूरत। तो यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो दोस्तों कहाँ गाया था, या दोस्तों कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। इतनी बात क्लियर। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों, क्या कांग्रेस का यह अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1911 में हुआ था। यानी कि कहने का मतलब है, जनगणमन गाया गया था ये 1911 में गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन राय दर ने किया था। इतनी बात क्लियर। इसी अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगणमन गाया गया था। दोस्तों क्लियर हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में और कुछ जानेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या, कांग्रेस का यह अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1911 में हुआ था। ये दोस्तों भाई हमारी पीडीएफ है दोबारा, आप जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं कांग्रेस इसके बारे में, कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में, लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने, अंबिका चरण
मजूमदार ने। बात करते हैं इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। इस अधिवेशन में दोस्तों क्या हुआ था, जो हमारे दोस्तों कांग्रेस था और मुस्लिम लीग, ये दोस्तों एक हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुए थे, एक हो गए थे। बुद्धि है कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हुए थे दोस्तों, कब हुए थे, 1916 में हुए थे, 1916 के अधिवेशन में हुए थे। इतनी बात के लिए, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने, एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने कौन सा अधिवेशन था भाई दोस्तों, 1917 का अधिवेशन था एनी बेसेंट। पहली बार, इतनी बात क्लियर, पहली बार महिला ने अध्यक्षता की थी, किसी महिला ने कांग्रेस में भाग लिया था। तो दोस्तों वह कौन थी, वह हो जाती है एनी बेसेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था दोस्तों, तो यह है आपको बताना है। तो सभी लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों कब लिया गया था अधिवेशन, दोस्तों बात करते हैं 1922 में लिया गया था। इतनी बात क्लियर, कब, 1922 में। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस का यह अधिवेशन 1922 में कब हुआ था, 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चितरंजन दास ने की थी। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, दो बनते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कौन सा अधिवेशन में हुआ था और किस सन में हुआ था, बात करते हैं और किसने किया था, ये दोस्तों हमारे तीन क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अधिवेशन कौन सा था, दोस्तों 1922 का अधिवेशन था, चितरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इतनी बात क्लियर। 1923 में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाया गया था, इतनी बात क्लियर, कब, 1923 में ही। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जानकारी, यहाँ पे दोस्तों क्या, शुरुआत, शुरुआत की अगर बात करते हैं, शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने इस पार्टी के विरोध में थे, जो महात्मा गांधी थे सब पहले दोस्तों शुरुआत में क्या थे, वह कांग्रेस के विरोध थे, इतनी बात क्लियर। स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दो लोगों ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 17, लखनऊ अधिवेशन 16, सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बेलगांव अधिवेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ, दोस्तों यहाँ पे क्या अगर बात करते हैं, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में ही स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अविभाजक अंग के रूप में रहकर विधान मंडलों में प्रवेश का अधिकार दिया गया। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है, पूछ दिया बेलगांव जो है वह स्थित कहाँ है, और दोस्तों कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली भारतीय महिला ने की थी, दोस्तों किसने की थी और कहाँ की थी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं किसने की थी और कहाँ की थी, कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 17, लखनऊ अधिवेशन 16, सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों अगर बात करते हैं कानपुर अधिवेशन में हुआ था उसमें की थी, दोस्तों कब की थी, 1925 में की थी, पहली बार जो भारतीय महिला थी उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, दोस्तों कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907।
तो इसका राइट आंसर हमें करना है दोस्तों, कब की गई थी और कहाँ की गई थी, किसने की थी, ये दोस्तों हमारे इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ का जो अधिवेशन था 1929 में, इसमें दोस्तों किसने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं इसी के बारे में जानकारी दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पहला अधिवेशन था जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता, स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 1929 में, कौन से अधिवेशन में, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। बात करते हैं सन, सन 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ दोस्तों, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछ दिया है कांग्रेस का ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें अधिवेशन नहीं हुआ था दोस्तों, वह 1930 था। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 17, लखनऊ अधिवेशन 16, सूरत अधिवेशन 1907। बात करते हैं कराची का जो अधिवेशन था, इसमें दोस्तों किसने, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, कब, 1931 में। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ेंगे, अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जानकारी क्या, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। यह पहला अधिवेशन था जब मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक सुधारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इतनी बात याद रखनी है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था। पूर्ण स्वराज की अगर बात करेंगे दोस्तों, किस अधिवेशन में पारित किया था दोस्तों, यह 1931 का अधिवेशन था, कौन सा, कराची अधिवेशन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लखनऊ अधिवेशन 1916, बंबई अधिवेशन 1934। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाई दोस्तों हमारा कौन सा अधिवेशन हो जाता है, यह है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो बंबई का जो अधिवेशन हुआ था 1934, इसके बाद में कांग्रेस से गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं इसकी जानकारी दोस्तों, कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई अधिवेशन 1934 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने दोस्तों कब इस्तीफा दिया, कौन से अधिवेशन में, भाई दोस्तों था 1934 का अधिवेशन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं जानकारी दोस्तों, ये तो हमारा दोबारा रिपीट हुआ। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस, जानकारी क्या है, कांग्रेस का यह अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, कब हुआ था, 1937 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इतनी बात क्लियर, यह अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। क्वेश्चन हमारा पूछ लिया था कभी, बहुत ही टफ पेपर जब बनता है, यह अधिवेशन वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में पहली बार हुआ था दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा हमारा अधिवेशन, वह हमारा फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन हो जाएगा 1937 का। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 हरिपुरा, फैजपुर अधिवेशन 1937, लखनऊ अधिवेशन 16, बेलगांव अधिवेशन 24। बात करते हैं हरिपुरा का जो अधिवेशन था, इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र ने क्या लिया था, अध्यक्षता की थी। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन हरिपुरा गुजरात, कहाँ हुआ था, हरिपुरा जो गुजरात में है, कब हुआ था, 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश, दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने पद त्याग दिया था। जब दोस्तों उन्होंने पद त्यागा था तो वह पद ग्रहण किसने किया था, यह क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों, वह पद किसने संभाला था, हम आपको बता रहे हैं, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना की थी। इसके इस्तीफा के बाद कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे क्या, 1940
वर्ष 1940 से 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्षता अबुल फजल कलाम अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। यह सबसे युवा व्यक्ति भी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला है जिन्होंने कांग्रेस को 1990 में संबोधित किया था। दोस्तों बात करते हैं इसका रीजन क्या था। दोस्तों जब यह अध्यक्ष बने थे उसके बाद में युद्ध छिड़ गया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भारत की आजादी के समय जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के बाद कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। 1948 में अगर हम बात करते हैं तो जयपुर अधिवेशन पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था। इतनी बात क्लियर। दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों रोज हम आपके लिए लेके आऊंगा अच्छे अच्छे टॉपिक, दोस्तों परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन वहां से तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।